हेलो गाइस, अगर आप लोग एक डॉग लवर हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को एक अमेजिंग डॉग ब्रीड के साथ जो है बॉक्सर। तो दोस्तों, अगर आप लोग बॉक्सर के बारे में नॉलेज रखते हैं और इसे परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज वीडियो में भी मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो डॉग सुपर्ब क्वालिटी में है और काफी हेल्दी और हाइट भी बहुत ही बढ़िया है। और एक डॉग की लाइफ में सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो कि ओनर ने इसे बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करा रखी है। तो आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में एक वेल ट्रेन्ड बॉक्सर डॉग मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओनर ने इसकी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा रखी है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को इसका कार्ड नहीं मिल पाएगा। वैसे गाइस, ओनर ने खुद ही ये मेंशन कर रखा है कि डॉग बहुत ही फ्रेंडली है, बट आप लोग तो जानते ही हैं कि अपनी फैमिली के साथ तो सभी डॉग्स बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बट पता तब चलता है जब कोई स्ट्रेंजर्स उनके घर आता है। और वैसे भी जो लोग बॉक्सर के बारे में नॉलेज रखते हैं वो काफी अच्छे से जानते हैं कि ये ब्रीड बहुत ही एक्टिव, पावरफुल और बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। वैसे अगर आप लोग बॉक्सर को परचेज करें तो एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि इन्हें डेली बेसिस पर कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज और वॉक जरूर कराएं। वैसे तो बॉक्सर वन ऑफ द इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक है, ये किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, बट जब ये पपी हुड में होते हैं तो उस टाइम इन्हें ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज ये हमेशा खेलने के मूड में होते हैं और आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से फॉलो नहीं करते। तो गाइस, अगर आप में से जिसकी भी स्पीड के लिए रिक्वायरमेंट थी तो ये डॉग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये हमारी कुछ पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है दीपांशु शर्मा, सेकंड है निशांत ठाकुर एंड थर्ड है नितिन ब्राह्मण। वैसे गाइस, ये बॉक्सर एकदम शो क्वालिटी का है और 28 फरवरी को ओनर इसको शो में भी लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इस बॉक्सर की एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये डॉग 14 मंथ का हो चुका है और इसकी जो लोकेशन है वो है मेरठ, उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, डिलीवरी में आप लोगों को ज्यादा कुछ ऑप्शंस तो नहीं मिल पाते, बट ओनर आप लोगों को आसपास के एरियाज में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन तो हमेशा यही होती है कि जब भी आप लोग किसी एडल्ट डॉग को परचेज करो तो आप लोगों को उसे डायरेक्ट ओनर के पास विजिट करके ही परचेज करना चाहिए। सो गाइस, प्राइसिंग के बारे में बात करें तो डॉग वेल ट्रेंड है और फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 12,000 रुपीज, यानी सिर्फ 12,000 रुपए। वैसे प्राइस ऑलरेडी काफी जेन्युइन है, बट ये प्राइस भी नेगोशिएबल है, तो परचेज करते टाइम आप लोगों को इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने डॉग्स की एड मेरे चैनल पर डलवाना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस और बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।